अब हम पढ़े फिजिक्स, जिसे हमने कल पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बोले, क्या बताया था मोमेंटम में? मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का मास को वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराया उसको मोमेंटम नहीं होगा। ज़्यादा मास और कम मास की तो बात ही नहीं है ना। किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दो तो वो मोमेंटम आता है। ठीक है, यही बताया था ना मैंने कल। अब मैंने बोला मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सिंबल में किसका जारी करेंगे मोमेंटम को, इस तरह पी स्मॉल पी से जारी करते हैं, स्मॉल पी इक्वल टू मास जगह एम वेलोसिटी जगह वी। सिंबल में इसका जारी करेंगे, एम क्या है मास है और वी क्या है वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी। अब यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट। मोमेंटम हमने क्या डेफिनेशन कल पढ़ी थी, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ का मोमेंटम क्या होता है, उसके उस बॉडी के उस ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दो तो वो उस चीज़ का मोमेंटम निकल कर आएगा। जैसे मैंने बताया था एक बॉल है, कॉक की बॉल है, कॉक की बॉल तेज़ी से आ रही है आपके तरफ, उसका मोमेंटम क्या होगा, कॉक की बॉल का मास और जिस वेलोसिटी से कॉक की बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो तो आप कहोगे इस कॉक की बॉल का मोमेंटम निकल गया। अब मैंने बोला था देखो एक बच्चा जो है कॉक की बॉल फेंक रहा है आपकी तरफ, और शोएब अख्तर फेंक रहा है कॉक की बॉल आपकी तरफ, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, शोएब अख्तर की। क्यों भाई, बच्चे के हाथ में जब बॉल है कॉक, शोएब अख्तर के हाथ में जब बॉल है दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, लेकिन बच्चा जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंकेगा और शोएब अख्तर जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंकेगा उसमें फ़र्क होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम उससे ज़्यादा है। इसी तरह वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, या अगर मास ज़्यादा हो तब भी मोमेंटम है। मिसाल के तौर पर आपके सामने दो बच्चे हैं, एक दोनों बच्चे के हाथ में टेबल टेनिस की गेंद है, टेबल टेनिस की गेंद देखिए ना तो कितनी छोटी सी होती है। अब दोनों बच्चे आपकी तरफ जो है, बल्कि नहीं एक दो बच्चे, एक के पास टेबल टेनिस है और एक के पास कॉक की बॉल है, तो दोनों बच्चे बराबर हैं, बराबर फोर्स से फेंक रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ बॉल फेंक रहे हैं, एक बच्चा टेबल टेनिस की बॉल फेंक रहा है आपकी तरफ, दूसरा बच्चा जो उसी के बराबर का है वो कॉक की बॉल आपकी तरफ फेंक रहा है, तो मोमेंटम किससे ज़्यादा होगा, कॉक की बॉल। हालांकि दोनों बच्चे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी दोनों सेम, दोनों बच्चों की वेलोसिटी तो सेम होगी ना, दोनों सेम वेलोसिटी से बच्चे बॉल को फेंक रहे होंगे, लेकिन क्या फ़र्क होगा, वेलोसिटी दोनों में सेम होगी, दोनों सेम बच्चे बराबर उम्र के बच्चे एक ही वेलोसिटी से बॉल को फेंकेंगे, लेकिन कॉक की बॉल जिस बच्चे के हाथ में होगी उस बॉल का मास ज़्यादा है, इस वजह से कहेंगे उस जिस बच्चा जो बच्चा कॉक की बॉल फेंक रहा है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। समझ आ गई, तो मोमेंटम के लिए ज़रूरी है अगर मास ज़्यादा हो तब भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, या वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दो। बॉल आपकी तरफ आ रही है तो बॉल का मास लो, बॉल की वेलोसिटी लो, उसको मल्टीप्लाई करा दो, उसका मोमेंटम निकल कर आ जाएगा, बॉल का मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। हम कहेंगे बॉल का मोमेंटम ज़्यादा है या बॉल का मोमेंटम कम है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन बन गई, किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो होता है वो उसके मास को मल्टीप्लाई करा दो उसकी वेलोसिटी, तो उस बॉडी का मोमेंटम निकल जाता है। अब फार्मूला हो गया मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम का पी से जाहिर करते हैं, सिंपल में लिखेंगे पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को स्मॉल पी से जाहिर करते हैं, मास को स्मॉल एम से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को वी से जाहिर करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एम वी हो गया, पी मास है और वी वेलोसिटी। अब मोमेंटम की यूनिट निकालने जा रहे हैं, अब ये पता मोमेंटम की जो मोमेंटम की आप यूनिट निकालोगे, मोमेंटम जो है वो फंडामेंटल यूनिट है या ड्राइव यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में आपको पता है लेंथ आती है, टाइम आता है, और क्या आता है, याद करवाया था ना फंडामेंटल यूनिट,
फोर्स थोड़ी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है। और ड्राइव यूनिट्स क्या है, जो फार्मूले से निकल कर आते हैं। तो मोमेंटम का एक फार्मूला है ना, पी इक्वल टू एम ई, तो उसके फार्मूले से यूनिट निकालते हैं। देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम ना। और वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम का मल्टीप्लाई करा दो मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये हो गया किलोग्राम, ये देखो किलोग्राम मल्टीप्लाई करा दो मीटर अपॉन सेकंड, मल्टीप्लाई करा दिया आपने, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम ए, एम ए, एम मास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, मास यूनिट हो गई किलोग्राम, लास्ट यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। इन्होंने आगे सेकंड से मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। अभी क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू उसको अलग कर लो, सेकंड को अलग कर लो, लिख लो अपने पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और बराबर है ये एस और एस सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जिस तरह एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बनता है ना, ये सेकंड का एस है, ये भी सेकंड का एस है, दोनों का मल्टीप्लाई कराते तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला सेकंड बराबर में रहेगा, यही होगा, ठीक है। इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन, ये पूरी चीज़ न्यूटन की लाती है, ये पूरी चीज़ न्यूटन की लाती है, इसकी जगह पे लिख लिया न्यूटन और सेकंड की जगह सेकंड, ये बन गया न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड, मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकंड। समझ में बात आई किस तरह बनी है, न्यूटन सेकंड कैसे आई। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। असल में तुम लोगों फोर्स का भी पढ़ा नहीं ना, फोर्स में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वो भी मैंने कल यहीं से बताई देता हूँ, यहाँ से बताया था, चेक करो, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा, लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूँ कैसे होती है। मास यूनिट क्या होती है, मास यूनिट क्या होती है, फोर्स एफ इजिकल टू एम फार्मूला है ना, एफ फोर्स का फार्मूला है, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। मास यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये बन गया देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरी चीज़ एक बन गई, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो फोर्स यूनिट क्या हो गई, इस पूरी जगह क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो, फोर्स यूनिट लिख देते हो आप, इस पूरी चीज़ का न्यूटन लिखते हो। इसीलिए हमने मोमेंटम को बनाने के लिए हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना लिया इसको, वो न्यूटन बन गया, और सेकंड जो एक सेकंड बचा था वो सेकंड लिख दे, न्यूटन सेकंड। समझ में बात आई, देखो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स का फार्मूला होता है मास टू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम किलोग्राम पर मीटर पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरा लिखो, इसी जगह सिर्फ एल लिख दो यानी न्यूटन, एक ही चीज़ है, यू लिखो या यूनिट की बात। आप बोलोगे फोर्स की यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी होती है, या फोर्स यूनिट न्यूटन भी होती है, इसका मतलब ये यूनिट यूनिट आपस में बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है, ठीक है। इस पूरी चीज़ की जगह आप न्यूटन लिखते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम के केस में मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, हमने मास लिखा किलोग्राम, वेलोसिटी लिखा मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर पर सेकंड ये तो हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी की यूनिट, मास की यूनिट ये हो गई, वेलोसिटी की यूनिट ये हो गई। अब हमने सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया अपनी तरफ से, ताकि हमारा
और सिंप्लीफाइड फॉर्म में था। हम इतना लंबा यूनिट लिखे हैं, मोमेंटम यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमने लिख दिया, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर को हमने एक साथ लिख लिया, नीचे वाले सेकंड को मल्टीप्लाई करा दी, ऊपर वाले छोड़ दिया, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई कर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला सेकंड अपनी जगह मौजूद है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये देखो किलोग्राम मीटर पर किसके बराबर होता है, न्यूटन। इसकी जगह पूरी जगह पर लिख लिया न्यूटन और सेकंड की सेकंड, ये यूनिट बन गई मोमेंटम की न्यूटन सेकंड। इसका यूनिट बनी है मोमेंटम की न्यूटन सेकंड, सही है जी, मोमेंटम की यूनिट सारा बन गया, मेरे समझ बात आ गई, समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल अब हम देख रहे हैं। अब देखो हमारे पास दो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है देखो, बोला अ कार ऑफ मास 800 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास है 800 किलोग्राम, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, उसका मोमेंटम आप निकालें। मोमेंटम कब निकलता है, जब कार, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और सब कुछ, जब उसका मास हो तो मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। किसी बॉडी का मोमेंटम जीरो कब होगा, जब वो रुकी भी होगी तो, रुकी होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू एम पी, यानी मास मतलब वेलोसिटी। अगर एक कार रुकी हुई है या कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब मास का कुछ भी हो, जीरो जब वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा तो मोमेंटम जीरो निकलेगा। अच्छा, मास किसी चीज़ का जीरो हो सकता है, मास जीरो हो नहीं सकता, तो ज़्यादा वेलोसिटी जीरो हो सकती है, छोटी सी छोटी बॉडी भी होगी कुछ ना कुछ ना मास होगा। अब बोल रहे हैं कार है जिसका 800 किलोग्राम मास है, तो आपने डेटा में लिख लिया मास हो गया 800 किलोग्राम, ठीक है, और किस वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, मालूम क्या करना है, मोमेंटम यानी पी मालूम करना है। तो पी का फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी, पी इक्वल टू एम की जगह मास की जगह 800 किलोग्राम, वी की जगह वेलोसिटी की जगह 2 मीटर पर सेकंड, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम ऑफ द कार 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या दूसरे लफ्जों में इसके मोमेंटम की यूनिट क्या बनेगी, 1600 न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड बताया ना, न्यूटन सेकंड, तो हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ द कार इज 1600 न्यूटन सेकंड। अभी समझाया ना न्यूटन सेकंड कैसे आया, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लो या न्यूटन सेकंड लिख लो, समझ आ गई, न्यूमेरिकल समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल का न्यूमेरिकल है, अ 60 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 60 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट का मास है 60 किलोग्राम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास है 60 किलोग्राम, वो मूव करा किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी, तो मास की जगह कितना रखोगे 60 किलोग्राम, वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे 5 मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई करा दो 60 से 5 से, तो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की का मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। वाले कुंडी लगाओ, कुंडी लगाओ, समझ आ गई। तो हमने दोनों एग्जाम्पल में देख लिया मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, समझ में बात आ गई, मोमेंटम निकालने का तरीका हो गया। है